अब खबरें विस्तार से। बीजेपी का मिशन पश्चिमी यूपी। बीजेपी नेता लगातार कर रहे हैं पश्चिमी यूपी का दौरा। आज मुरादाबाद में रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह ठाकुर के लिए जनसभा करेंगे। सीएम योगी भी आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे। तो बता दें आपको कि लगातार पश्चिमी यूपी की जनता को साधने का प्रयास बीजेपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बड़े दिग्गज जो कि पश्चिमी यूपी का दौरा लगातार कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी का मिशन पश्चिमी यूपी। बीजेपी नेता लगातार पश्चिमी यूपी जा रहे हैं। आज मुरादाबाद में गृहमंत्री अमित शाह रैली करते हुए दिखाई देने वाली है। बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह ठाकुर के लिए जनसभा आयोजित की गई है, जिसका संबोधन करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। सीएम योगी भी आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि ठाकुरों में नाराजगी खासकर देखी जा रही है, जिसके चलते कल ही पंचायत का आयोजन भी किया गया था। ऐसे में जो ठाकुर समाज है, ठाकुर वर्ग है, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी है बीजेपी से, और ऐसे में उनको मनाने के लिए, साधने के लिए कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से खास फोकस पश्चिमी यूपी पर किया जा रहा है। तो आज गृहमंत्री अमित शाह भी मुरादाबाद पहुंचेंगे और प्रत्याशी सर्वेश सिंह ठाकुर के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहे हैं और जनसभा को संबोधित किया गया है। साथ ही अगर यहां पर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने मंच पर न सिर्फ संजीव बालियान बल्कि संगीत सोम को भी मंच पर जगह दी और उनके जरिए जनता को, साथ ही ठाकुर समाज को साधने की कोशिश की। तो हर संभव मनाने का प्रयास जारी है। कोशिश है कि लोकसभा चुनावों में जनता का पूरा सहयोग और साथ मिले। तो ऐसे में जो पूरी फौज है बीजेपी के दिग्गजों की, वो पश्चिमी यूपी में देखने को आए दिन मिल रही है। शुरुआत मेरठ से हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से पुकार भरी, उसके बाद सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये तमाम वो जगह जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पहुंच रहे हैं और साथ ही जनता से संवाद करने की कोशिश, उनको ये बताने की कोशिश कि आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है और सरकार किस तरीके से, किस विजन के साथ में जनता के विकास के लिए आगे बढ़ रही है। तो आज मुरादाबाद जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह ठाकुर के पक्ष में वोट मांगेंगे। ओवैस अली हमारे साथ जुड़े हुए मुरादाबाद से लाइव। आपको बता दें कि आज गृहमंत्री अमित शाह मुरादाबाद जाने वाले हैं। तो ओवैस अली आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं, कब तक वो पहुंचेंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी से कुछ ही देर के बाद गृहमंत्री अमित शाह मुरादाबाद पहुंच जाएंगे और अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतनी चाहती है, क्योंकि 80 सीटों का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक जो है जगह जगह पर आपको जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको डायरेक्ट लोगों के दिल पर जो संबोधित वो करते हैं उस पर जो असर डालता है वो यह खुद बयां कर देता है कि जब जनता के बीच में जनसभा के बाद यहां से लोग अपने घरों पर जाते हैं और चाय की दुकान पर अक्सर चर्चा करते हुए नजर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो गूंज है वो लोगों के कानों तक असर करती हुई नजर आती है। यही कारण है कि आज सहारनपुर के अंदर में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो फिर मुरादाबाद के अंदर में गृह मंत्री अमित शाह हैं और पीलीभीत के अंदर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी फोकस करती नजर आ रही है और योगी के द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करनी है, तो ये बड़े संकेत हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के पास अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई ऐसा स्टार प्रचारक का चेहरा या कोई ऐसी रैली अभी तक नहीं हो पाई है जो सामने आ सके और भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबले के तौर पर खड़ी हो जाए। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी की फाइट नजर आ रही है विपक्ष के साथ, वो कहीं ना कहीं पर पूरी तरह फेल होती दिखनी शुरू हो गई है। और अभी ठीक मेरे पीछे जो आपको नजर आ रहा होगा, ये वही पंडाल है जहां पर गृहमंत्री अमित शाह से कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद सीधा जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तमाम जो लुभाने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 और 24 के अंदर में किस तरह से
च्वाइस लोगों की बनानी है, इसको लेकर के अमित शाह साफ तौर पर अब स्पष्ट करते हुए अपने संबोधन में यहां से नजर आने शुरू हो जाएंगे। अमित शाह ने पहले भी स्पष्ट कर दिया था, जो कि सोशल मीडिया पे मुरादाबाद के अंदर में अमित शाह के दौरे से पहले दो वीडियो वायरल होना शुरू हो गई, जिसके अंदर अमित शाह के साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस कभी सपने में भी अब आने वाली नहीं है। तमाम जो संकेत हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों को दिए जा रहे हैं, और जो मुद्दे हैं खास तौर पर जो जनता को लुभाने वाले हैं उन पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक नजर आ रहे हैं भूपेंद्र चौधरी। लेकिन इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में एक बात जो उठ रही है वो ये है कि जो ठाकुर समाज है वो नाराज है बीजेपी से, इसको लेकर पंचायतें भी की जा रही हैं, उनकी कई मांगे हैं जिसमें से एक नाराजगी संगीत सोम को लेकर भी है। लेकिन अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो यहां पर सर्वेश सिंह ठाकुर प्रत्याशी बनाए गए हैं, ऐसे में मुरादाबाद सीट पर कितना असर है इस नाराजगी का? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ठाकुर समाज का नाराज होने का मामला सामने आया था, तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल होनी शुरू हो गई थी, और उसमें कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुरों के बीच में जाएंगे और अपने समाज के जो उनके लोग हैं उनको मनाने का काम करेंगे। क्योंकि मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुंवर सर्वेश जो खुद ठाकुर हैं उनके लिए यहाँ पर अमित शाह पहुंच चुके हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और तमाम जब जनता को यहाँ से संबोधित करेंगे उनके संबोधन करते हुए उनके लिए वोट की मांग करेंगे, तो बहरहाल सी बात है जो ठाकुर समाज कहीं ना कहीं पर नाराज भी है। तो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी दिल से दिल का कनेक्शन अब लाती हुई नजर आ रही है, ताकि ठाकुर समाज जो है वो टूटता हुआ कहीं नजर ना आए। चाहे संगीत सोम की बात की जाए तो तमाम जो लुभाने वाले काम है, ठाकुरों के दिलों पर राज करने वाले काम है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भी, और साथ में जो स्टार प्रचारक है वो भी, एक साथ एक मैदान पर एक प्लेटफॉर्म पर कंधे से कंधा मिलाते हुए हाथ से हाथ पकड़ते हुए साफ तौर पर चलते हुए नजर आएंगे। और जो ठाकुर समाज की जो नाराजगी है, जो उनके दिलों पर एक चुभस है, वो भी अब कहीं ना कहीं दूर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं और वो साफ तौर पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ठाकुर समाज के अगर कुछ लोग नाराज भी हैं तो उनको मना लिया जाए, क्योंकि साफ तौर पर एक समाज की बात है और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो खुद ठाकुर हैं। तो बहरहाल सी बात है कि जो ठाकुर समाज है वो अन्य किसी पार्टी पर टूट के जाने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं अगर सूत्रों की बात की जाए तो लगातार ठाकुर समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से महापंचायतें हो रही हैं वो ठाकुर समाज के लोगों को लुभाने का काम कर रही है, और बहुत जल्द ठाकुर समाज के जो लोग हैं आने वाले वक्त पर आप देख सकते हैं कि हो सकता है बहुत जल्द वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े हुए नजर आए जो प्रत्याशी।